वायरल हो रही हैं। बच्चे स्कूल के बाहर बैठे हुए हैं और स्कूल के अंदर पानी भरा हुआ है। शिक्षक स्कूल के गेट के पास बैठकर बच्चों को पढ़ा रही हैं और मिड डे मील भी खिला रही हैं। कंपोजिट विद्यालय लुहारी खादर, अगर बाहर ये बोर्ड ना लगा होता तो आप इस जगह को क्या समझते? पुरानी बंद हो चुकी फैक्ट्री, कूड़ा फेंकने वाला यार्ड या खंडर हो चुका मकान या फिर और कुछ भी समझ सकते थे। इसे स्कूल समझने की गलती तो कोई ना करता, लेकिन सच तो यही है कि ये विकसित भारत का स्कूल है। दीवार के दोनों तरफ लिखा है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, मतलब विद्यालय में शिक्षा के लिए आओ और शिक्षा पूर्ण होने पर जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसके माध्यम से समाज की ओर अपने परिवार की सेवा करें। स्कूल की हालत देखिए और शिक्षार्थ आइए वाले शब्द से तुलना कीजिए। इस विद्यालय के अंदर जाना हो तो बच्चों को अपने लिए नाव खरीदनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं शिक्षार्थ आइए हो पाएगा। पूरे स्कूल में पानी भर गया है, शिक्षक बच्चे सब बाहर बैठे हुए हैं, पढ़ाई भी चल रही है और मिड डे मील भी परोसा जा रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और पूरा गांव खड़ा होकर तमाशा भी देख रहा है। धन्य है ये शिक्षक जिन्होंने अपने काम से मुंह नहीं फेरा, बच्चों के साथ स्कूल के गेट पर बैठकर अपना फर्ज निभाया, बच्चों को पढ़ाया, मिड डे मील खिलाया और लापरवाह अधिकारियों के मुंह पर जोरदार तमाचा भी लगाया, जिन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बदहाल व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए कोई ख्याल नहीं रखता। बच्चे सड़क पर बैठकर पढ़ रहे थे तो नजर अभिभावकों की भी पड़ी, किसी ने मामले का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। साथ ही घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को भी दी गई। अमरोहा में हुई मूसलाधार बारिश ने शिक्षा विभाग के दावों की पोल खोल कर रख दी है। ताजा मामला अमरोहा की हसनपुर तहसील के लुहारी खादर गांव का है, जहां बारिश पड़ने के बाद प्राथमिक विद्यालय में कई कई फीट पानी भर गया, जिसके बाद बच्चों को पढ़ाने गई शिक्षकों ने सड़क किनारे बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई और सड़क किनारे उनकी कक्षा 1 से 5 तक की क्लासें शुरू करवाई गई। हालांकि इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने अमरोहा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उनके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने जो है स्कूल में भरे पानी को अपने ही खर्चे पर ट्यूबवेल की मदद से बाहर निकाला, जो कि उनके बच्चे जो है समय पर जाकर शिक्षा ग्रहण कर सके। हालांकि अभी तक जिम्मेदारों ने स्कूल की ओर जाकर भी अभी तक नहीं देखा है। स्कूल छोड़िए, अब गांव की सड़क पर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। सड़क को मॉनसून का पानी बहा ले गया है या फिर सड़क ने आज तक गांव का रास्ता ही नहीं देखा, पता नहीं, लेकिन सच्चाई जो भी है वो तो आपके सामने है। टीम न्यूज स्टेट। कोई अपने